ठीक है, लिखने में जरा रुचि कम रखिए तो आनंद रहेगा। हेलो रुजा बाबू, कभी भी किसी बॉडी पे खूब सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3 और F4, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, उस पार्टिकल पे बताइए कितने फोर्स लग रहे हैं? 4 फोर्स लग रहे हैं। F1 कैसा है? हॉरिजॉन्टल। F2 कैसा है? नॉर्मल। F3 वर्टिकल, F4 टेंजेंशियल। ये बॉडी का फोर्स डायग्राम है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी डायग्राम ऐसा है कि उस मोमेंट पे बॉडी की वेलोसिटी वी टेंजेंशियल ही होगी। ये उसका वेलोसिटी डायग्राम है, ये उसका फोर्स डायग्राम है। वी तो इधर है लेकिन डेल्टा वी इधर नहीं होगा। खैर, उस मोमेंट पे डेल्टा वी सेंटर की ओर हो ये जरूरी नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो डेल्टा वी सेंटर की ओर होगा, वरना किसी और दिशा में होगा। एक बात तो पक्की है कि डेल्टा वी टेंजेंट की दिशा में नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंट तो नॉर्मल की दिशा में होगा, वरना किसी और दिशा में होगा। क्या करते हैं हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स में? ठीक है, हमेशा नॉर्मल और टेंजेंट दो दिशाएं ले लेते हैं। ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो गया। जो नॉर्मल की तरफ है या टेंजेंट की तरफ है उन्हें न छुए हम। F2 तो नॉर्मल की तरफ है ही, उसे टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक फोर्स और लग रहा है भीतर की तरफ, F3 भी। कौन कौन नॉर्मल की सॉरी F5, ठीक है, कौन कौन नॉर्मल की तरफ लग रहा है? F2 और F5, ये दो फोर्सेस नॉर्मल की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, F2 और F5, ये दो फोर्सेस नॉर्मल की लग रहे हैं, तो उन्हें हम टच ही ना करें, और जो फोर्सेस टेंजेंट की ओर लग रहे हैं उन्हें भी हम टच ना करें। हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें नॉर्मल में और टेंजेंट में। तो किसे किसे रिजॉल्व करना पड़ेगा? F1 को और F3 को, क्योंकि ये दोनों ना तो नॉर्मल के लॉन्ग है ना तो टेंजेंट के लॉन्ग है। काहे टेंशन में हो इतना? कोई बात हो गई? पिटाई उठा हो आज तुम ही? हाँ, तुम्हारे फेफड़े की सांस हमारे फेफड़े में, फेफड़े में यही ना हो रहा है, है कि नहीं? बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों नॉर्मल की तरफ है और ये टेंजेंट की तरफ है। हम उन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे जो ना तो नॉर्मल की तरफ है और ना तो टेंजेंट की तरफ है, जैसे F1 और F3। वेक्टर का रिजॉल्व करना हमेशा एक समस्या बना रहा है, ठीक है कि नहीं? उस समस्या में हम नहीं घुसते, हम सीधे रिजॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि F5 तो इधर है ही, F3 भी इधर है, F2 भी इधर ही है और F4 भी इधर ही है। ये तीन तो पहले से है ही। F1 को रिजॉल्व करना पड़े तो F1 cos थीटा इधर हो गया, F1 cos थीटा इधर हो गया, और F1 को इधर हो गया तो इधर करो, देखो कितना हो रहा है, F1 sin थीटा इधर हो गया। F3 को रिजॉल्व करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? F3 cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा? F3 sin थीटा, है कि नहीं? ये फोर्सेस को मैंने, ये बॉडी का फोर्स डायग्राम बन गया जिसे हमने रिजॉल्व कर लिया है। अब क्या करना चाहिए? F नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल एंड F टेंजेंशियल इज इक्वल टू m इंटू ए टेंजेंशियल। ए नॉर्मल हमेशा कितना होता है? v स्क्वायर बाई आर। F नॉर्मल क्या होता है?
नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर। कुछ लोग ये कहते हैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर एक फोर्स है। नहीं, एम वी स्क्वायर बाई आर में देखता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि नेट फोर्स जो है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू इतनी है। नेट फोर्स जो भी सेंटर की ओर होगा उसको उठा के इसके बराबर कर दो, अलग से एम वी स्क्वायर बाई आर का कोई फोर्स नहीं लगेगा। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर है ना, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर कितना हो गया बोलो, एफ फाइव माइनस इतना झंझट ये तीनों। तो क्या लिखोगे पहला इक्वेशन, एफ नॉर्मल की तरफ अंदर की तरफ, एफ फाइव माइनस एफ वन साइन थीटा प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इन टू ए नॉर्मल। ए नॉर्मल कितना है, वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। दूसरा एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, टेंजेंशियल में एक फोर्स इधर लग रहा है और दो इधर लग रहे हैं, पता नहीं कौन ज्यादा है, मैं मान लेता हूं कि यही वाला ज्यादा है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, एफ फोर प्लस एफ थ्री साइन थीटा माइनस एफ वन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या चीज, एम इन टू ए टेंजेंशियल। बात समझ में आ गई, बस यही कहानी है। बॉडी पे लग रहे सारे फोर्सेस दिखाइए, जो फोर्सेस नॉर्मल या टेंजेंट में पहले से है उन्हें टच ही नहीं कीजिए, बाकी जो और फोर्सेस हैं उन्हें रिजॉल्व कर लीजिए टेंजेंट में और नॉर्मल में, फिर सारा फोर्स जो नॉर्मल की तरफ अंदर की तरफ है उसकी वैल्यू उठा के एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दीजिए और एफ टेंजेंशियल इज इक्वल टू एम इन टू ए टेंजेंशियल कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है ऐसे, यहां पे रेस्ट पे रखी गई है, मास एम एट रेस्ट, ठीक है, और मास एम यहां भी रेस्ट पे रखा हुआ है और मास एम यहां भी रेस्ट पे रखा हुआ है। आप बताइए कहां पे, किस केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। यहां पे रिएक्शन एन वन है, यहां पे रिएक्शन N2 है और यहां पे रिएक्शन N3 है, बताइए रिएक्शन कहां पे ज्यादा होगा। रिएक्शन कहां पे ज्यादा होगा, बराबर होगा, क्यों, बात सही है, तीनों में बराबर होगा। वजह यह है कि तीनों में फोर्स डायग्राम यही बनेगा, ब्लॉक यहां पे, ये यहां पे, ब्लॉक यहां पे, ये यहां पे, ब्लॉक यहां पे, ये यहां पे, mg और n1 n1 एक दूसरे को धक्का देंगे, सिमिलरली mg और N2 N2 एक दूसरे को धक्का देंगे, सिमिलरली MG और N3 N3 एक दूसरे को धक्का देंगे। आपको मतलब सिर्फ ब्लॉक से है ना, बोलिए, सिर्फ ब्लॉक से मतलब है, और ब्लॉक तीनों में रेस्ट में है, मतलब MG को N1 बैलेंस कर ले रहा है, MG को N2 बैलेंस कर ले रहा है, MG को N3 बैलेंस कर रहा है, मतलब क्या हो गया इस केस में, N1 N2 N3 क्या हो गए, तीनों बराबर हो गए, कोई तकलीफ है कि नहीं। अगर लेकिन इस पे ही ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे तब क्या n1 mg के बराबर रह जाएगा, बोलिए, नहीं रह जाएगा। लीजिए भविष्यवाणी नास्ट्रोडामस की, नहीं रह जाएगा। गजब आदमी तुम लोग यार, क्यों नहीं रहेगा भाई, इसका फोर्स डायग्राम बनाओ, mg नीचे और ये टेबल, ये रिएक्शन n1 n1 से धक्का देगा, क्या होगा, क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं, वर्टिकली ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब कि n1 किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, n1 इज इक्वल टू क्या हो गया, mg, खत्म। हॉरिजॉन्टल मोशन से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब मैं कहता हूं मान लीजिए ये ब्लॉक जो है इसी पर मास m है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है
अब की बताइए एन कितना होगा, अब एन कितना होगा, एम जी से बड़ा कि छोटा? एन छोटा होगा एम जी से, क्यों? बड़ा होगा, क्यों? धन्य हो, धन्य हो महाराज। एफ बी डी बनाइए, इसका वेट एम जी नीचे की तरफ, रिएक्शन एन और एन कांस्टेंट वेलोसिटी से भले जा रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब फिर क्या हो गया? एन क्या हो गया? एम जी के बराबर हो गया। यार इन सारे केसेस में, इसमें 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 सब में एन क्या होगा? एम जी के बराबर होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये वी से नीचे आ रहा है तो क्या करोगे? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो क्या करोगे? तो फिर एन क्या हो जाएगा बोलो? एम जी के बराबर हो जाएगा। या सोचो इसी को मैं कहूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तब क्या करोगे? अगर ऐसा है और ये खुद ही कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, वी कांस्टेंट है, तब एन क्या होगा बोलो? तब भी तो एन एम जी ही होगा, एम जी को एन बैलेंस कर रहा है कि नहीं? और अगर ऐसे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तुम लोग आंसर दर आंसर बदल रहे हो, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तब क्या होगा? तब फिर एन कितना होगा? एम जी के बराबर होगा। बात मेरी तुम समझे? लेकिन हम बताना चाह रहे थे, तुम भटका के कहीं और ले गए हमको। अगर मैं कहता हूं यहां पे एक ब्लॉक है एंड दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग अपवर्ड्स, प्लेटफॉर्म इज मूविंग अपवर्ड्स एंड इट इज डी एक्सेलरेटिंग ऊपर जा रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। ऊपर जा रहा है लेकिन वेलोसिटी घट रही है, तो एन क्या होगा एम जी से? बड़ा कि छोटा? बड़ा। कैसे? बाप रे बाप, जान छुड़ाना मुश्किल है। एम जी हो गया भैया नीचे, रिएक्शन हो गया एन ऐसे, और टेबल पर रिएक्शन छोड़िए उससे क्या मतलब है? इसका तो फोर्स डायग्राम बन गया, मूविंग अपवर्ड्स, वेलोसिटी ऊपर है, उससे कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी ऊपर है, और वेलोसिटी तभी घटेगी जब एक्सेलरेशन नीचे हो, यानी इसका एक्सेलरेशन नीचे है, यानी कि नेट वेलोसिटी ऊपर है और डी एक्सेलरेट हो रही, यानी क्या हो गया? ए नीचे है। इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स नीचे होगा। जाने से मतलब नहीं है ऊपर, जाने को तो पत्थर भी ऊपर जाता है, तो क्या तब कौन जाता था? एम जी तो नीचे ही लग रहा है ना, कोई और फोर्स तो लगेगी, बैंड फोर्स लेके चला गया उसको। ऐसा तो है नहीं कि हम फेंक दिए और बैंड फोर्स लगा और चला गया हो जो है कि नहीं, या 2 रुपए का सिक्का उछाल कर चला गया ऊपर, ऐसा हो सकता है कि नहीं? उसके मोशन से मतलब नहीं है, चेंज से मतलब है। फोर्स मोशन नहीं मेंटेन करता है, फोर्स इज नॉट नीडेड टू मेंटेन द मोशन, इट इज नीडेड टू चेंज द मोशन। 50 बार कहे होंगे, ठीक है? इट इज नॉट नीडेड टू मेंटेन द मोशन, इट इज नीडेड टू चेंज द मोशन। नेट एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो एम जी नीचे है और एन ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि एन नीचे है और यार एन नीचे बनाया गया है लेकिन नीचे ऊपर की तरफ है, कहते हैं सर एन नीचे और एम जी ऊपर है। तो उन लोगों के लिए मैं ये गोल्डन डायग्राम बना देता हूँ फिर। एम जी नीचे है भैया, नीचे की तरफ है, नीचे ऊपर से मतलब नहीं है। एम जी नीचे की तरफ है और एन किधर है? ऊपर की तरफ है। बात समझे? नीचे है नहीं, एम जी नीचे नहीं है, एम जी नीचे की तरफ है और एन नीचे नहीं है, एन ऊपर की तरफ है। एम जी नीचे की तरफ है, एन ऊपर की तरफ है, राइट? नेट एक्सेलरेशन नीचे होने के लिए किसका डायग्राम बड़ा होना चाहिए? एम जी का तीर बड़ा होना चाहिए, इसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए। तो इस वेक्टर की साइज ज्यादा है, इसकी कम है, नेट नीचे की तरफ होगा। इस डायग्राम में एम जी क्या होगा? बड़ा होगा एन से, मतलब एन क्या होगा? लेस देन एम जी होगा। तुम पूछते ही कर रहे हो कि एन बड़ा होगा, जरूरत ही नहीं सोचने उचने की यहां तो, ठीक है? अगर मैं कहता हूं एक प्लेटफॉर्म जो है इट इज, तो कई बार देखते हैं सबने मूविंग अपवर्ड्स, देखने की जरूरत नहीं है एन बड़ा होगा, वहीं से आंसर ना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, तो देखते हैं इसको नेग्लेक्ट करते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग डाउनवर्ड्स
एंड एक्सेलरेटिंग, बताइए कौन बड़ा होगा, एन बड़ा होगा कि छोटा होगा एमजी से? हाँ छोटा होगा, की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, नीट एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब एन क्या होगा, छोटा होगा एमजी से। बात समझ में आई? लेकिन मैं करना कुछ और चाह रहा था। डायग्राम ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, यहां भी वेलोसिटी वी है, यहां भी वेलोसिटी वी है, यहां भी वेलोसिटी वी है, ये तीनों का कौन सा डायग्राम है बताइए, तीनों का कौन सा डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है? अरे वेलोसिटी डायग्राम है, बोलोगे मुंह खोलो, कौन सा डायग्राम है? वेलोसिटी डायग्राम है, ठीक है कि नहीं? मैं इनका फोर्स डायग्राम बनाता हूं, mg नीचे और n ऊपर, ये डायग्राम किस केस में सही होगा, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में? तीनों में। लेकिन पहले वाले में, अच्छा तीनों का मैं एक्सेलरेशन डायग्राम बनाता हूं, ये तो वेलोसिटी डायग्राम बन गया, ये एक्सेलरेशन डायग्राम बनेगा कैसा, ये वर्टिकली क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। इसका मोशन ऐसा है, सर्कुलर मोशन ऐसा है, स्पीड अगर उस मोमेंट पे कॉन्स्ट मतलब वो है वी ऐसे, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और एक्सेलरेशन नॉर्मल की तरफ होता है, तो यहां पे ए किधर होगा, नीचे की तरफ, और यहां पे वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर की तरफ, ए की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, सेंटर की तरफ, बाय चांस ऊपर है कि नहीं? इस बात को समझे कि तीनों के वेलोसिटी डायग्राम ऐसे हैं, तीनों के एक्सेलरेशन डायग्राम ऐसे होंगे, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, और यहां पे बॉडी का वेलोसिटी टेंजेंशियल है लेकिन एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, यहां वेलोसिटी टेंजेंशियल है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, तीनों का ये वेलोसिटी डायग्राम बन गया, सॉरी एक्सेलरेशन डायग्राम। फिर क्या बनाना चाहिए, फोर्स डायग्राम, क्या होगा, एन और एम जी एग्जैक्टली इक्वल होंगे, बोलो, यहां पे नेट एक्सेलरेशन नीचे है तो mg का वेक्टर ज्यादा बड़ा होगा और n क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि नेट क्या है, नीचे की तरफ होना चाहिए, यहां पे नेट ऊपर की ओर है तो कौन बड़ा, n बड़ा हो जाएगा और mg तो जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा कि मास घट जाएगा, या बात समझे तो मेरी, ये डायग्राम यहां पे बराबर है दोनों, साइज ऑफ वेक्टर वो इक्वल है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, यहां नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है इसलिए नेट फोर्स जो नेट वेक्टर जो डाउनवर्ड्स है उसे लंबा बनाना पड़ा, उसकी साइज बड़ी बनानी पड़ी, और यहां पे नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो यहां एन को बड़ा बनाना पड़ा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं फोर्स डायग्राम, फोर्स इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन क्या होगा, एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल, एफ नॉर्मल, यहां तो नॉर्मल नॉर्मल जैसी चीज ही नहीं है, एन इज इक्वल टू एम जी हो गया, खत्म बात। एफ नॉर्मल यानी नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, सेंटर किधर है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर कितना हो गया, एम जी माइनस एन, ये हो गया नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल, ए नॉर्मल कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, है कि नहीं? यहां क्या लिखेंगे, एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल, एफ नॉर्मल क्या होता है, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, तो ये दो डायग्राम है, नेट सेंटर की तरफ कितना हो गया, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर, तो n कितना आ गया बोलो, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां से n कितना हो गया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। बात समझ में आई, यहां पे n mg के बराबर है और यहां mg से कम है, n लेस देन mg है और यहां n क्या है, ग्रेटर देन mg है। बात समझ में आई, इसका मतलब जब अगर कॉन्वेक्स सरफेस होगा तब क्या होगा, एन एम जी से कम होगा और कॉनकेव में एन एम जी से ज्यादा होगा, ठीक बात है। अगर यहां पे तुम ध्यान दो, आर बड़ा हो जाए, आर बड़ा हो जाए तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा,
एम वी स्क्वायर बाई आर कम हो जाएगा। जब किसी फिक्स चीज में से कम चीज घटाओगे तो एन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझे बात को? आर बड़ा हो जाएगा तो एम वी स्क्वायर बाई आर कम हो जाएगा। एम जी में से जब कम घटाओगे तो एन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका एन ज्यादा होगा। और यहां पे देखो, जिसका आर ज्यादा होगा उसका एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। अरे यार, जिसका आर ज्यादा होगा उसका एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा, कम होगा। जब एम जी में कम जोड़ोगे तो एन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहां पे रेडियस बढ़ने पे एन घटता है और यहां पे रेडियस बढ़ने पे एन बढ़ता है। ठीक है, ऐसी बात है। अगर मैं कहता हूं कि एक सरफेस ऐसा है, ऐसा है, ऐसी कोई, ऐसा कोई प्लेन है, मास एम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इंजन ऐसा पावर डिलीवर कर रहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहां पे, ठीक ना। वी सी कांस्टेंट है, वी हर जगह वही है, ठीक है। इंजन ऐसा चल रहा है, चला रहा है, ठीक है, ऐसा हुआ। इसे मैं वन नाम देता हूं। यहां रिएक्शन एन वन है, यहां रिएक्शन एन टू है, यहां रिएक्शन एन थ्री है, यहां रिएक्शन एन फोर है और यहां रिएक्शन एन फाइव है। पूछा है कि एन वन एन टू एन थ्री एन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये बताओ कि क्या होगा। ऐसी बात है, बात समझ में आ रही है। जहां भी सरफेस कॉनकेव होगा वहां रिएक्शन ज्यादा होता है, कॉनकेव में रिएक्शन ज्यादा होगा अगर वेलोसिटी है तो। अभी वेलोसिटी नहीं थी जब, इसलिए उसको पहले बता दिए। तो जहां कॉनकेव है और वेलोसिटी भी है वहां रिएक्शन ज्यादा है। तो यहां कौन कौन कॉनकेव है, टू और फोर कॉनकेव है, तो टू फोर का ज्यादा हो गया किससे, प्लेन वाले से, फाइव वाले से, और फाइव वाले का ज्यादा होगा किससे, वन और थ्री वाले से, है कि नहीं। टू और फोर कैसे हैं कॉनकेव, कॉनकेव वाले में रेडियस बढ़ाने पे एन घट रहा था, जिसका रेडियस ज्यादा था उसका एन कम था। कॉनकेव वाले में जिसका रेडियस ज्यादा था उसका एन कम था। तो कॉनकेव में किसका रेडियस ज्यादा है, देखो एन टू पे कि फोर पे, जिसका रेडियस ज्यादा है उसका एन कम होगा। यानी एन टू वाले का रेडियस ज्यादा है इसलिए एन टू क्या होगा, कम होगा। एन फोर ज्यादा होगा तो एन फोर ग्रेटर देन एन टू, ग्रेटर देन एन फाइव, ग्रेटर देन। और कॉन्वेक्स वाले में क्या था, देखो कॉन्वेक्स वाले में जिसका रेडियस ज्यादा था उसका एन ज्यादा था। अब देखो कॉन्वेक्स में देखो किसका ज्यादा है, जिसका रेडियस ज्यादा उसका एन ज्यादा। तो वन वाले का रेडियस ज्यादा है तो उसका एन ज्यादा, ग्रेटर देन एन वन, ग्रेटर देन एन थ्री, खत्म। कहा बात कुछ समझ में आई। वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम, फोर्स डायग्राम, फोर्स इक्वेशन और उससे ये कंक्लूजन। कोई तकलीफ, ठीक है।
ऐसा सरफेस है, कोई स्फीयर है और ये फिक्स्ड स्फीयर है। यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है मास एम का, यहां पे वेलोसिटी कितनी दे दे, वी मिनिमम कितना दे दे, सो दैट इट डज नॉट स्लिप ऑन स्फीयर, डज नॉट स्लिप ऑन स्फीयर। पता है तुमको क्या करोगे, यहां पे स्लिप ही ना करे, मतलब क्या करे, स्लिप ना रोल करे, क्या करे, यहां कितनी वेलोसिटी कि इस पर स्लिप ना करे, तो क्या करे यार, उड़ जाए सीधे, इतना तेज इसको माना जाए कि स्लिप का 90 ही जाए, सीधे उड़ जाए, फ्लाई ऑफ कर जाए, है कि नहीं। और फ्लाई ऑफ कर जाए मतलब इसका कांटेक्ट छूट गया, यानी रिएक्शन कितना हो गया, जीरो। तो क्या बनाओगे, इसका एफबीडी, इसका वेट एमजी, रिएक्शन एन, सर्किल ऐसा है, एक्सलरेशन भीतर की तरफ होगा, क्या लिखोगे, एम जी माइनस एन, एफ नॉर्मल इज एम इंटू ए नॉर्मल, ए नॉर्मल कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर, एन को क्या करना है, जीरो, एम एम कट गया, वी कितना आ गया, रूट आर जी, वी जो है इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू आर जी, वो तो कितना भी ज्यादा दे दीजिए उड़ जाएगा, वो मिनिमम इतना देना चाहिए ताकि फ्लाई ऑफ कर जाए, स्लिप ही ना करे इस पर, नहीं समझे बात को, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कोई पेंडुलम है वो ऐसे है एट रेस्ट, या ये ऊपर की तरफ, सॉरी पेंडुलम एट रेस्ट, किसी में पेंडुलम ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से, किसी में पेंडुलम नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन से, यहाँ पे एट रेस्ट है या ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से या नीचे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कुछ भी हो रहा है, या तो रेस्ट पे है या ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हर क्या होगा, इसका वेट एम जी है, रस्सी अपनी ओर खींचेगी टी से, दोनों बैलेंस कर जाएंगे, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, खत्म। इन तीनों केस में रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाए किधर भी, ठीक ना, तो ये टी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। यहां क्या है कि ये ए से ऊपर जा रहा है, टी इधर, एम जी नीचे, तो कौन बड़ा, टी बड़ा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यहां नीचे आ रहा है एम जी नीचे और टी ऊपर, नेट फोर्स किधर, नेट एक्सेलरेशन नीचे है, नेट फोर्स नीचे होगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, है कि नहीं। तो यहां पे टेंशन टी वन है, यहां पे टेंशन टी टू है, यहां पे टेंशन टी थ्री है, यहां पे टी वन कितना आ गया, एम जी प्लस एम ए, और यहां पे टी थ्री कितना आ गया, टी टू, टी थ्री कितना आ गया, एम जी माइनस एम ए, तो कौन सबसे बड़ा है, देखो टी टू सबसे बड़ा है, फिर टी वन, फिर टी थ्री। इसके ऊपर जाने या नीचे जाने से मतलब नहीं है, जाने में विरोध से मतलब है, जाने में चेंज से मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी वी से इधर जाने लगे तो क्या होगा, ये उसका कौन सा डायग्राम हो गया, वेलोसिटी डायग्राम। तुम बताओ इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कैसा होगा, बोलो, ये बॉडी है, इसका सेंटर की ओर होना चाहिए एक्सेलरेशन, सेंटर सर्किल हो रहा है ना, क्या बनेगा, ये सर्किल ही तो बनाएगा कि रस्सी खुलती जाएगी, सीधा चलता चला जाएगा, क्षीर सागर में थोड़ी बैठा है, ये है और वो आगे जा रहा है, तो हाँ रस्सी कहेगी अच्छा तुम जाओ, अच्छा लो हम इतने बड़े हो जाते हैं, थोड़ा तुम आगे चले जाओ, लो हम इतने बड़े हो जाते हैं, चलता जा रहा है, क्षीर सागर में थोड़ी बैठा है। वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन कैसा है, नॉर्मल, है ना, ये इसका वेलोसिटी डायग्राम है, ये इसका एक्सेलरेशन डायग्राम है। फोर्स डायग्राम क्या होगा, बोलो, इसका वेट एम जी, रिएक्शन एन, सॉरी टेंशन टी, फोर्स डायग्राम हर केस में इस बार वही बनेगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, नेट फोर्स ऊपर होगा, टी और एम जी में कंपटीशन होगा, कौन बड़ा होगा, टी। एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इन टू ए नॉर्मल, एफ नॉर्मल कितना हो गया, टी माइनस एम जी, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम इन टू ए नॉर्मल कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, टी कितना हो गया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई, बात समझ में आई, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा होता, ये बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता, ऐसे ये गया नीचे से और ऐसे जाता हुआ V1 से, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ V2 से आ गया, ये
तब क्या करिएगा, ये क्या हो गया इसका वेलोसिटी डायग्राम। एक्सेलरेशन किधर होगा इसका बोलिए, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और फोर्स किधर होगा बोलिए, फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, टी एम जी नीचे की तरफ और रस्सी भी नीचे की तरफ खींचेगी। तो एफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना, एम इंटू ए नॉर्मल। नॉर्मल की ओर कौन कौन लग रहा है, एम जी प्लस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल कितना है, वी स्क्वायर बाई आर। तो टी कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस माइनस एम जी टी इतना आ गया। तो इस केस में टेंशन, इस केस में टेंशन, सब केस में टेंशन निकालने आपको ढंग आना चाहिए, लिख लीजिए। सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ से ऐसे है और वो इस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है उस वक्त, थीटा एंगल बना रही है, वेलोसिटी वी उसका इधर है, ऑब्वियसली टेंजेंशियल होगा। क्या करना चाहिए मुझे, वेलोसिटी तो इधर होगी ही, इसका क्या बना दें, एफ बी डी, रस्सी अपनी तरफ खींचेगी, एम जी नीचे हो गया, इसको आप आगे बढ़ाइए, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, एम जी को रिजॉल्व कीजिए, इधर परपेंडिकुलर डालिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, एम जी ये था, इधर परपेंडिकुलर डालिए, एंगल के तरफ क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा, इधर क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, केवल दो, कौन कौन, टी और एम जी। टी तो पहले से नॉर्मल की तरफ था, उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन एम जी को तोड़ने की ज़रूरत पड़ी, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। चलिए अब क्या करेंगे, एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल एंड एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। एफ नॉर्मल क्या होता है, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, नेट फोर्स सेंटर की ओर होना चाहिए, तो टी बड़ा की एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा हो गया एफ नॉर्मल इज इक्वल टू, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू एम इंटू ए नॉर्मल के बराबर होनी चाहिए, ए नॉर्मल वी स्क्वायर बाई आर है कि नहीं। एफ टी टेंजेंशियल में कितना फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए टी, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ए टी कितना आ गया, जी साइन थीटा आ गया। कोई तकलीफ, ठीक है, ठीक है। तो एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया, नॉर्मल के लॉन्ग ये आ गया, टेंजेंशियल के लॉन्ग। फिर क्या करता हूँ, उसी सर्कुलर मोशन में बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, उस वक्त इसकी वेलोसिटी इधर है, वी इधर की तरफ है, क्या करना चाहिए मुझे, ये तो वेलोसिटी डायग्राम है, क्या बनाना चाहिए, फोर्स डायग्राम, एम जी नीचे की तरफ, रस्सी अपनी तरफ खींचेगी, टी ऐसे हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल एंड एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। दो दिशाएं महत्वपूर्ण होती है, नॉर्मल और टेंजेंट। नॉर्मल ये हो गया, सेंटर से पास करता है, और उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या हो जाता है, टेंजेंट, ये हो गया। यहां किसको रिजॉल्व करेंगे, टी को कि एम जी को, किसको करेंगे, किसी को नहीं, क्योंकि टी पहले की तरफ है, एम जी पहले से टेंजेंट की तरफ है। एफ नॉर्मल की जगह क्या रखेंगे, एम जी साइन थीटा, एम ए नॉर्मल। एफ नॉर्मल की जगह क्या रखेंगे, एफ नॉर्मल क्या चीज है, अरे टेंशन नहीं है रे, एफ नॉर्मल इज नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, ज्यादा पढ़ लिख के पगला गए सब, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, पढ़े भी लिखे क्या है, न पढ़े हैं न पगलाए हैं ठीक से, या तो पढ़ लो ठीक से या पगला जाओ ठीक से,
सेमीकंडक्टर होना ठीक नहीं है. एफ नॉर्मल इज नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर. नेट फोर्स जो सेंटर की ओर है, आंधा भी छू के बता देगा कि वो टी है कि नहीं. तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर क्या हो गया, टी. एफ नॉर्मल मतलब जो फोर्स सेंटर की तरफ है उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम इंटू ए नॉर्मल कितना हो गया, बिस्कर भैया खत्म कहानी. टेंजेंट में एकमात्र फोर्स एम जी है, तो एफ टी की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी. तो ए टी कितना हो गया बताइए जी, तो इस मोमेंट पे ए टी इतना हो गया, इतना हो गया. ठीक है, अगर मुझसे पूछता है कि यहां पे तुम ए नेट बताओ कितना है, तो क्या करोगे तुम, ए एन इधर हो जाएगा और ए टी इधर हो जाएगा. ए टी की वैल्यू कितनी आ गई, जी के बराबर, और ए एन आ गया वी स्क्वायर बाय आर. तो ए नेट कैसे पालोगे, ए नेट इधर पालोगे. तो यहां पे बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ है. मेरी बात समझे नहीं समझे. ए एन ए नॉर्मल और ए टी की वैल्यू जी आ गई और वी कुछ दिया ही है, तो ये ए नॉर्मल ये ए टी, ए नेट इधर हो जाएगा. कुछ समझ में आ रहा है. मान लीजिए वो इस क्वाड्रेंट में है, यहां पे आ गया, यहां से ब्लॉक यहां पे आ गया, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर उसका वेलोसिटी इधर होगा, वी इधर होगा ना. चलिए एफ बी डी बनाते हैं. इसका वेट कितना, एम जी नीचे की तरफ, स्ट्रिंग क्या करेगी, टी से खींचेगी. ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा. ये नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया. टी पहले से नॉर्मल की तरफ है, टी को नहीं टच करेंगे, है कि नहीं. किसे करेंगे, एम जी को. तो एम जी को तोड़िएगा तो इधर कितना आ जाएगा बताइए, एम जी कॉस थीटा. एम जी का इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा और इधर की तरफ एम जी साइन थीटा. क्या लिखिएगा, एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए नॉर्मल, एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी. बताओ जरा एफ नॉर्मल की जगह क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा. एफ, अरे यार तुम पागल खाने के लिए सही उम्मीदवार हो. टी प्लस एम जी कॉस, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ, टी भी सेंटर की तरफ है, एम जी कॉस थीटा भी सेंटर की तरफ है. टी प्लस एम जी कॉस थीटा हो गया एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाय आर. एफ टी कितना लिखे, टेंजेंट की ओर कौन है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, एम इंटू ए टी. ए टी कितना आ गया बताइए, जी साइन थीटा. कुछ बात को समझे, ठीक है. सिमिलरली इस प्लेन पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे है वो, और ये वर्टिकल लाइन, ये सेंटर उस सर्किल का, इस और ये उसका नॉर्मल थीटा एंगल पे है. उस वक्त वेलोसिटी उसकी वी इधर है, मास एम है,
पूछा है यहाँ रिएक्शन कितना होगा, क्या करना चाहिए मुझे? FBD बनाना चाहिए, बोलिए। FBD कैसे बनाएंगे? इसका वेट mg नीचे की तरफ, टेबल उसे धक्का देगा, n बाहर की तरफ, क्यों धक्का देगा ना, है तो ये भी कितना हो गया थीटा mg को, तो ये नॉर्मल की दिशा हो गई और ये दिशा किसकी हो गई, टेंजेंट की दिशा हो गई। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, n तो पहले से नॉर्मल की दिशा में है, इनको मत छेड़िए, रहने दीजिए। mg को देखिए, mg इधर है तो इधर कितना आ जाएगा, बोलिए, परपेंडिकुलर डालो इधर, ये दूरी कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा, और इधर परपेंडिकुलर डालो, ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। क्या लिखोगे? f नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल एंड ft इज इक्वल टू m इंटू ए टी। एफ नॉर्मल क्या लिखेंगे, हाँ, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो कौन लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल, कितना होता है वी स्क्वायर बाई आर। एफ टी कितना लिखेंगे, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, एम इंटू ए टी, खत्म। अगर यही ऐसा होता, ये ब्लॉक भीतर से जा रहा होता ऐसा, इसकी स्पीड वी इधर से होती, तब तुम क्या करते, तब फिर वही काम करो, इसका एफबीडी बनाओ, कितना हो जाएगा इसका वेट mg, आपकी टेबल ऐसे है और ये रिएक्शन ऐसे धक्का देगा, n इधर हो जाएगा आपकी, क्यों नहीं समझे बात को, टेबल तो धक्का देता है ना, तो ये इसको इधर धक्का देगा n से, ये थीटा तो ये थीटा, n तो पहले से नॉर्मल की ओर टच नहीं करेंगे, mg को करेंगे, इधर कितना आएगा ये टेंजेंट, इधर कितना आ जाएगा mg sin थीटा, इधर कितना आ जाएगा mg cos थीटा। नेट फोर्स टूअर सेंटर, एफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल, क्या लिख देंगे, एन प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर, एंड एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, ए टी कितना, एफ टी कितना आ गया, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए टी, एम एम गायब हो गया, ए टी इतना आ गया यहाँ से, ये आ गया, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए लाइक दिस, यहाँ पर कोई ब्लॉक है और ये कोई लूप है और इसकी वेलासिटी वी है, इस वक्त मास एम है, यहां रिएक्शन पूछा है, तो क्या गिर जाएगा क्या, सर्कस देखे हो नहीं, देखे हो नहीं, देखो तो जाके देखो पहले, समझे, ऐसा गिर कैसे जाएगा दरिद्रदास। इसका एफबीडी बनाओ, इसका वेट कितना, एमजी नीचे की तरफ, और ये टेबल क्या करेगा, ये पार्ट और ब्लॉक को अलग करो, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे एन से, है कि नहीं, तो एन से धक्का देगा तो ब्लॉक पे भी एन भीतर की ओर लगेगा, ये तो ब्लॉक का एफबीडी में बना रहा हूं, नहीं समझे बात को, ब्लॉक का वेट एम जी नीचे और टेबल क्या किया, धक्का दिया, अच्छा ये तो एफबीडी बन गया। नेट एफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना, एम इंटू ए नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ कौन है, एम जी प्लस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉर्मल, कितना हो गया वी स्क्वायर बाई आर। एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी, टेंजेंशियल में कोई फोर्स ही नहीं है, एफ टी जीरो हो गया, तो ए टी कितना हो गया, जीरो हो गया, है कि नहीं, ऐसा ले लो, मान लो ऐसा कोई स्फीयर है, यहां एक ब्लॉक है और ये यहां से थीटा एंगल पे है, ठीक है, इसका वेट कितना, एम जी नीचे, एन रिएक्शन क्या करेगा, इसको धक्का देगा ये टेबल, है कि नहीं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, एम जी को तोड़ो, इधर कितना हो गया एम जी कॉस थीटा, इधर कितना हो गया एम जी साइन थीटा, है कि नहीं। एफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना, एम इंटू ए नॉर्मल। नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर, n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या चीज, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, और एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, एफ टी कितना हो गया, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, m इंटू ए टी, खत्म का डायनेमिक्स आ गया सर्कुलर मोशन का, बात समझे, लिख लो इसको, अब एनर्जी अलग समझाए, पहले थोड़ी ज्योमेट्री सिखाएंगे।
एक तो होता है सिंपल पेंडुलम और दूसरा होता है कोनिकल पेंडुलम। दोनों में फर्क है। सिंपल पेंडुलम लाइक दिस, ऐसे इस वर्टिकल सर्किल में मूव करता है, ठीक है, ऐसे। और कोनिकल पेंडुलम ऐसे, स्ट्रिंग पड़ी हुई थी ऐसे, इसे एक तरफ खींचते हैं और इसको एक तरफ खींच के बाहर फेंक देते हैं, मतलब बाहर की तरफ उछाल देते हैं। जब इधर खींचोगे तो रस्सी की लंबाई तो ऐसी हो गई, थोड़ी कम हो जाएगी ना, ये इधर आके ऊंचाई पे चला आएगा ना। जब बाहर फेंकोगे तो बाहर चला जाएगा क्या वो? हाँ, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा लाइक दिस, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। तो इसका सेंटर कौन है? सेंटर इसका C2, ये C1, ये C0। इस कोनिकल पेंडुलम का, इस सिंपल पेंडुलम का सेंटर कौन है बोलो? सेंटर कौन है? C0। रेडियस कितना है बोलो? L। सर्किल किस प्लेन में है? सर्किल इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में है सर्किल। ये प्लेन कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। और ये प्लेन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहां पे बताओ सेंटर कौन है? C2। ये L है, ये थीटा है, एंगल के सामने ये क्या हो गया? L साइन थीटा। इसका रेडियस क्या हो गया? L साइन थीटा। और ये किस प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बात तुम मेरी समझे? ठीक है। तो यहां पे तो तुम्हारा सेंटर C0 था, रेडियस L था। अगर तुम किसी थीटा पे लेते थे इसको, तो MG नीचे और T इधर, यहां पहले से नॉर्मल की ओर था, तो किसे रिजॉल्व करोगे? केवल MG को। वी विल रिजॉल्व, किसको रिजॉल्व करेंगे यहां पे? केवल MG को। और यहां पे FBD अगर हम बनाते हैं तो MG नीचे और T इधर, यहां नॉर्मल ऐसा होगा जो सेंटर से पास करे, ये नॉर्मल हो गया और ये टेंजेंशियल हो गया। यहां कौन पहले से टेंजेंट, ये टेंजेंट की तरफ है, MG पहले से ही टेंजेंट की तरफ है, T ना तो नॉर्मल की तरफ है ना ही टेंजेंट की तरफ है, इसलिए इसको रिजॉल्व करेंगे T को। बात समझ में आ गई? यहां सेंटर कौन? C0। यहां सेंटर कौन? C2। यहां रेडियस कितना? L। यहां रेडियस कितना? L sin थीटा। यहां नॉर्मल ऐसा और टेंजेंट ऐसा, यहां नॉर्मल ऐसा सेंटर से पास करता हुआ और टेंजेंट ऐसा, यहां भी FBD वही बना है T और MG, वहां भी वही FBD बना है T और MG, FBD सेम बना है, लेकिन यहां कौन पहले से नॉर्मल की तरफ है? T, इसलिए हम उसे टच नहीं करेंगे, उसे रिजॉल्व नहीं करेंगे, केवल MG को रिजॉल्व करेंगे। यहां पे कौन पहले से टेंजेंट की रिजॉल्व करेंगे? T को। यहां पे MG को रिजॉल्व करना पड़ेगा, यहां T को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बात समझे? ये बॉडी इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। बात सही की गलत? इक्विलिब्रियम में है वर्टिकल डायरेक्शन में। बात सही की गलत? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वर्टिकली क्या है ये? इक्विलिब्रियम में है। सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी कभी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। फोर्स लग रहा है हमेशा, भले वेलोसिटी कांस्टेंट हो, फिर भी फोर्स सेंटर की ओर तो लगेगा ही ना, है कि नहीं? तो लेकिन ये बॉडी हॉरिजॉन्टल है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो एक फोर्स लग रहा होगा ना इस पे। अच्छा, थीटा ये हुआ। टी को तोड़ोगे तो इधर कितना होगा? टी कॉस थीटा। और इधर कितना होगा? टी साइन थीटा। चूंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? MG को। इसलिए ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो पहला काम तुम लिखोगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या चीज? MG। दूसरा काम लिखोगे F नॉर्मल इज इक्वल टू M इंटू A नॉर्मल। ये किस दिशा में लिखे? टेंजेंट में लिखे। क्या टेंजेंट में लिखे? कि टेंजेंट में मोशन ही नहीं हो रहा है, तो दोनों बैलेंस कर गए।
एफ नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ कौन है यहाँ पे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इन टू, अब ए नॉर्मल को जरा थोड़ा नफासत से लिखना पड़ेगा, वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी की जगह आर ओमेगा रखो तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई क्या हो गया आर, तो आर आर कट गया, कितना हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ कितनी है एल साइन थीटा, तो ए नॉर्मल की जगह हम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दें, लेकिन आर की वैल्यू एल साइन थीटा है, तो साइन थीटा कट गया, तो टी सीधे कितना आ गया एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, और टी यहाँ से इतना आ गया, टी को उठा के यहाँ रख दो तो क्या आ गया, क्या इक्वेशन मिला था, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो टी को उठा के यहाँ रखो तो एम एल ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम एम कट गया, ओमेगा कितना आ गया बोलो रूट ऑफ कितना जी बाई एल कॉस थीटा, यही ना बोलो। एक तो बात यह है, अगर मैं कहता हूँ, कई बार प्रॉब्लम ऐसे दे देता है कि ये कॉनिकल पेंडुलम है और ऐसा है ये, इसका ये हाइट h है, ये h है ना, तो ये l है और ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल में देखो तुमको l और थीटा नहीं देगा, सिर्फ h दे देगा, मतलब सिर्फ h दे देगा, तुम ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, ये l हुआ ये थीटा हुआ और ये h है, तो l cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई h के बराबर, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे वैल्यू, ओमेगा इज रूट ऑफ जी बाई क्या एच, इस वाले केस में एच ये वाली बात लिख लो, है कि नहीं, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है इसका, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इज ऐसे घूम रहा है ये कितने रेडियस है सर्किल में आर के, आर कितना है एल साइन थीटा, तुम लिखोगे टी इज टू पाई आर डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस बाई स्पीड, ओमेगा टू पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हो, टी इज टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा कितना है इसका रूट जी बाई एल कॉस थीटा, तो टू पाई बाई ओमेगा इज रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई क्या जी, ये इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया, टाइम पीरियड नहीं टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में इसको इतना टाइम लगेगा यहाँ से, या एल कॉस थीटा अगर एच दिया हुआ है तो क्या लिख दोगे टू पाई रूट ऑफ एच बाई जी, उसमें टू पाई रूट एल बाई जी या एच बाई जी, लेकिन साइंस अलग अलग है कि नहीं, दोनों का लिख लीजिए, ठीक है, आज तो डायनेमिक्स पे काम किए, अगले बार ज्योमेट्री सिखाएंगे और वर्क एनर्जी, फिर तीनों को मिक्स करेंगे, ठीक है।